सर, बजट के बारे में इसे आपका पहला रिएक्शन आपकी पार्टी का होगा? देखिए, बजट बहुत पीपुल्स फ्रेंडली बजट हुआ है। जैसे पहले आप देखेंगे, इलेक्शन के बाद जो बजट होता है वो अच्छा नहीं होता है, और इलेक्शन के टाइम में जो वादा होता है उसको नेक्स्ट वाला बजट में बहुत सारा वादा को भुला देते हैं। मगर इसका बजट, ये जो बजट हुआ है, ये बहुत अच्छा बजट हुआ है। इसमें बहुत बड़ा साइज का बजट है। जैसे आप देखेंगे, भारत का जीडीपी का रेट 2014 में 1.7 ट्रिलियन डॉलर था, जो कि अब बढ़कर 2.7 ट्रिलियन डॉलर में पहुंचा हुआ है। और तो एक जॉब का अगर बात देखेंगे तो 96 लाख लोगों को 2019 में जॉब मिला है, जबकि दूसरे तरीके से 2.5 करोड़ लोगों को जॉब मिला है। और अभी जो बजट आप देखेंगे, इसमें जो टैक्स का बेनिफिट दिया है, जो पहले 10 से 12 लाख तक 30% देना पड़ता था, उसको घटाकर अभी इन लोगों ने 20% किया। ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ा बात इसमें ये आया है, एजुकेशन में 150 हायर इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। और आप अगर देखेंगे तो जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस है, उस जगह को एक एक तेजस ट्रेन चलेगा, उस हिसाब से भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। और सबसे बड़ा बात इसमें यह है कि 50,000 कृषक को विद्युत चालित पंप दिया जाएगा, 20,000 किसान को हम सोलार पंप देंगे। अब किसान का जो बजट है, उसमें 2,83 करोड़ का जो प्रावधान हुआ है, ये बहुत बड़ा चीज है। तो किसानों के लिए बहुत बड़ा छलांग लगाया हुआ है। और जैसे हेल्थ सेक्टर में आप देखेंगे, बहुत बड़ा चीज अभी सरकार ने लिया है बजट में, कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक मेडिकल कॉलेज खोलेगी। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, और ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगा डॉक्टर को रेशियो बढ़ाने के लिए। तो ये बजट को आप शुरू से अगर आखिरी तक देखेंगे, इसमें सब युवक को, महिला को, कृषक को, इसमें एक हिस्टोरिकल डिसीजन इन्होंने लिया है। जो कृषक का जो प्रोडक्शन है, उसके लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक्सपोर्ट हब बनेगा। ये बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है। और कृषक का जो पेरिसेबल आइटम है, उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए उड़ान स्कीम में एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे, और 150 एयरपोर्ट सारे देश में नया बनाए जाएंगे, और उड़ान में इनको लाया जाएगा। इनका जो पेरिसेबल गुड्स है कृषक के लिए, उसके लिए एक जो बनाया जा रहा है। और बाकी ट्रेन में भी इनका सामान ट्रांसपोर्टेशन के नया स्कीम हुआ है। इसमें जितने बच्चे हैं, उनका जो उनके उनके लिए भी इसमें प्रावधान रखा गया है। जितना भी कोई भी वर्ग आप देख लीजिए, युवा हो, महिला हो, पुरुष हो, कृषक हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, एजुकेशन हो, सब में सरकार ने सबको दृष्टि में लेते हुए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय एक ऐसा बजट इन्होंने किया।